ये है 2 साल का मेलबरी का ग्राफ्टेड पेड़, इसे शहतूत भी कहते हैं। मैंने इसे 14 इंच के मिट्टी के गमले में लगाया हुआ है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस समय इस पर ढेर सारे फल लगे हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा गमले में शहतूत का पेड़ लगाकर उसमें ढेर सारे शहतूत उगाने का आसान तरीका पूरे 2 साल के अपडेट्स के साथ। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप बड़ी आसानी से कटिंग से भी इस पौधे को उगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास फलों के पेड़ उगाने के लिए जमीन नहीं है तो भी ऐसे बहुत सारे फ्रूटिंग प्लांट्स होते हैं जिन्हें आप गमलों में भी बड़ी आसानी से उगा सकते हैं और इनमें फल भी आते हैं। इन्हीं में से एक होता है शहतूत या मेलबरी का पौधा। इसमें साल में 2 बार नवंबर और अप्रैल में फ्रूटिंग होती है। इसकी कई वैरायटीज होती हैं जिनमें से सबसे कॉमन है ये डार्क रेड फल देने वाली शहतूत की वैरायटी और दूसरी वैरायटी है ये जिसके फल लंबे होते हैं और पकने पर सफेद हो जाते हैं। इसे आप नर्सरी प्लांट से, ग्राफ्टिंग से या कटिंग से भी उगा सकते हैं। शहतूत का फल टेस्टी होने के साथ साथ सेहतमंद भी होता है। शहतूत में पोटेशियम, विटामिन ए, फॉस्फोरस और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसका पेड़ बड़ी ही आसानी से उग जाता है और इसे ज्यादा केयर की जरूरत भी नहीं पड़ती। इस व्हाइट मलबरी वैरायटी के ग्राफ्टेड पौधे को मैंने 1 साल पहले नर्सरी से 100 रूपए में खरीदा था और इसे 14 इंच के मिट्टी के गमले में लगाया था। 21 महीने बाद पेड़ काफी बड़ा और घना हो गया है। फिलहाल अगस्त का महीना चल रहा है और इसकी ब्रांचेस में इस तरह की ढेर सारी बड्स निकलना शुरू हो गई हैं। इन्हीं बड्स में से नए शूट्स निकलेंगे जिनमें फ्रूटिंग होगी। दोस्तों, ये महीना है सितंबर का। मलबरी का हमारा ये पेड़ 22 महीने का हो गया है और इसमें छोटे छोटे हरे फल आना शुरू हो गए हैं। आज है 15 अक्टूबर। पिछले महीने जो फल आना शुरू हुए थे वो अब बड़े हो गए हैं। मलबरी के पेड़ को गमले में लगाए हुए 2 साल हो चुके हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस समय पूरा पेड़ रसीली और लंबी लंबी बड़ी मलबरी से भरा हुआ है। इस वैरायटी के फल पककर लाल नहीं होते हैं, इसलिए जब फलों का रंग हरे से बदलकर हल्का सफेद सा होने लगे तो समझ लीजिए कि ये तोड़े जाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो चलिए पकी हुई मलबरीज को हार्वेस्ट करते हैं। अब जरा इन्हें टेस्ट करके देखा जाए। दोस्तों, ये गजब की रसीली और मीठी है। अब ये पेड़ अगले 1 महीने तक इसी तरह से पके हुए फल देता रहेगा। यह है मलबरी की दूसरी वैरायटी जिसमें डार्क रेड या ब्लैक कलर के फल आते हैं। ये पेड़ जमीन में लगा हुआ है इसलिए काफी घना भी है। देखिए इसमें कितनी जबरदस्त फ्रूटिंग हो रही है। इसे भी हार्वेस्ट कर लेते हैं।
आप देख सकते हैं कि ये शहतूत इतनी ज्यादा जूसी है कि तोड़ते हुए मेरे हाथ भी लाल हो गए हैं। इस वैरायटी की पकी हुई शहतूत भी गजब की मीठी होती है। थोड़ी कम पकी हुई शहतूत खट्टे मीठे टेस्ट वाली होती है। मलबरी प्लांट को बीज से भी उगाया जा सकता है, लेकिन बीज से उगाया हुआ पौधा 4-5 साल बाद फल देने लायक तैयार होता है। आप इसे कटिंग से बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। सभी फ्रूट प्लांट्स के कंपैरिजन में शहतूत को कलम से उगाना ज्यादा आसान होता है और कलम से उगाए हुए पेड़ में भी 1.5 से 2 साल बाद फल आना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए आप किसी फल देने वाले बड़े मलबरी पेड़ से या किसी ग्राफ्टेड पौधे से कलम के लिए इस तरह की ब्रांच को सेलेक्ट करें। एक शार्प कटर से ब्रांच को कट कर लीजिए। अब इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आधे घंटे बाद कट वाली जगह इससे निकलने वाले दूध जैसे लेटेक्स से अपने आप ही सील हो जाएगी। मैंने इस छोटे कंटेनर में मिट्टी, वर्मी कंपोस्ट और रेत को बराबर क्वांटिटी में मिलाकर भर लिया है और अच्छी तरह से पानी भी दे दिया है। अब इसमें कलम कुछ इस तरह से लगाइए कि कम से कम एक लीफ नोट मिट्टी के अंदर दब जाए। जब तक इसमें पत्तियां ना आ जाएं, इसे बिल्कुल नहीं हिलाना है, नहीं तो इसकी नाजुक रूट्स डैमेज हो सकती है। अब इसे शेड में रखिए। इस पर ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो इसमें फंगस लग जाएगी। पानी इसमें तभी दीजिए जब छूने पर मिट्टी सूखी लगे। 13 दिन बाद इसमें नए शूट्स निकल आए हैं। अब मैं इसे ऐसी जगह पर रखूंगा जहां से सुबह 2-3 घंटे की धूप इसे मिल सके। 5-6 महीने के बाद जब पौधा घना हो जाएगा तो मैं इसे मिट्टी के बड़े गमले में ट्रांसप्लांट कर दूंगा। 1.5-2 साल का हो जाने के बाद इसमें भी मलबरीज आना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, जमीन में लगा हुआ बड़ा पेड़ अपनी जरूरत का न्यूट्रिशन मिट्टी से ले लेता है, मगर गमले में अच्छी फ्रूटिंग के लिए आपको इसे टाइम टू टाइम फर्टिलाइज करते रहना चाहिए। 2 महीने में एक बार 2 मुट्ठी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालकर ऊपर की मिट्टी को थोड़ा ढीला कर लीजिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी करने के लिए 5 ml सीवीड एक्सट्रैक्ट लिक्विड को 1 लीटर पानी में मिलाकर सीधे मिट्टी में डालिए और पौधे पर स्प्रे भी कीजिए। दोस्तों, गार्डनिंग से रिलेटेड किसी भी इशू पर मुझसे डायरेक्ट चैट करने के लिए प्लीज मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और आज का कमेंट ऑफ द वीक है ये। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन गार्डनिंग।